आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। अभी की बड़ी खबर निकल कर आई है यूपी पंचायत चुनाव से। आज हम आपको बताने वाले हैं ग्राम प्रधान के लिए किस जाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व। इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे विस्तार से। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको मिल सके महत्वपूर्ण जानकारी। रोजाना पंचायत चुनाव की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए जान लेते हैं क्या है आज की रिपोर्ट। यूपी पंचायत चुनाव के लिए नई आरक्षण सूची जारी करने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 18 और 19 मार्च को जिला स्तर पर आरक्षण ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत और प्रमुखों का आवंटन, जिला क्षेत्र व ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्रों के वार्डों का आवंटन प्रस्ताव डीएम के स्तर पर तैयार करेंगे। इसके बाद 20 से 22 मार्च तक प्रकाशन होगा। प्रस्तावित सूची पर दावे आपत्तियां 20 से 23 मार्च तक ली जाएंगी। इसके बाद इसका निस्तारण होगा। 26 मार्च तक फाइनल आरक्षण लिस्ट जारी होगी। नई आरक्षण लिस्ट में किसके लिए कितनी सीट आरक्षित। ग्राम प्रधान पद के लिए 5712 सीटें ओबीसी के लिए रिजर्व किया गया है। वहीं एसटी जाति के लिए 330 गांव आरक्षित हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए एसटी के लिए एक भी सीट आरक्षित नहीं है। एससी के लिए 16 सीटों को आरक्षित किया गया है। इनमें से 6 महिला और एससी के लिए अन्य के लिए हैं। ओबीसी के लिए 20 सीटें हैं, जिनमें से महिला के लिए 7 और 13 अन्य ओबीसी के लिए हैं। महिलाएं 12 और सामान्य 27 सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा ब्लॉक प्रमुख के लिए एसटी के लिए 5, एससी के लिए 17 और ओबीसी के लिए 223 सीटें आरक्षित हुई हैं। 2015 के रोटेशन के आधार पर आरक्षित होंगी पंचायतें। यूपी सरकार की तरफ से इस बारे में नया शासन निर्देश जारी किया गया है। इस शासन निर्देश के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के 75, ब्लॉक प्रमुख के 826 और ग्राम प्रधान के 58,194 पदों के आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और ग्राम प्रधानों में एसटी एससी के और ओबीसी के लिए आरक्षित किए जाने वाले पदों को संख्या गणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। महिलाओं के लिए 33%, ओबीसी के लिए 27%, एसटी एससी के लिए 23% आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी। शासन आदेश में कहा गया है कि 2015 जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान तथा ग्राम क्षेत्र व जिला पंचायत सदस्य के पदों की सीटें जिन जातियों के लिए आरक्षित की गई थी, इस बार चुनाव के लिए वह सीटें उन जातियों के लिए आरक्षित नहीं की जाएंगी। इस तरह से होगा आरक्षण। उदाहरण के लिए महिला के लिए आरक्षित ब्लॉक प्रमुख के पदों को आवंटन के लिए जिले, क्षेत्र पंचायतें वे एसटी एससी ओबीसी के लिए आरक्षित हो चुकी हैं। उनको हटाते हुए जो बाकी बचेंगी उन्हें सामान्य वर्ग की जनसंख्या के अवरोही क्रम में लगाया जाएगा। सबसे पहले महिला सीट का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा जो वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव में महिला श्रेणी में आवंटित रही। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में पदों का आरक्षण व आवंटन वर्ष 2015 के रोटेशन से ही होगा। उस वर्ष जो सीट जिस जाति के लिए आरक्षित हुई थी, इस बार के चुनाव में वह सीट उस जाति के लिए आरक्षित नहीं की जाएगी। प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने 15 मार्च को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करते हुए बुधवार देर रात पंचायतों के पदों को और सीटों का आरक्षण आवंटन के बारे में शासन निर्देश जारी किया। उम्मीद करते हैं दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और रोजाना पंचायत चुनाव की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।